वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 4 की। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो इलेक्ट्रो अपना कैपेसिटर का था उसे कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेक्चर 4 में इस बात को डिस्कस करने वाले होंगे कि सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है जब बहुत सारे कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं या फिर सीरीज में होते हैं। ये तो जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी हमारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला जो है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सबसे पहले वी आर मूविंग अहेड एंड वी आर गोइंग टू राइट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं उनमें पहली बात हमें ये पता करनी पड़ेगी कि क्या चीज कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लो कि एक ए पॉइंट है हमारे पास और यहां से हमारे पास एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमारे पास ऐसे लगा हुआ है और एक कैपेसिटर हमारे पास ऐसे लगा हुआ है। हमारे पास इस तरह से यूं तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर को अपन बोल रहे हैं C1, एक को बोल रहे हैं C2, एक को बोल रहे हैं C3। दिख रहा होगा आप सभी लोगों को तीन कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलली अटैच्ड है। पैरेलल यही ना कहलाता है। तो ये हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जो कि कैसे हैं? पैरेलल हैं। इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल दिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल दिए हैं और इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? बी पॉइंट बोल देते हैं। इस बी पॉइंट को अपन ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग कि जो ये कैपेसिटर C1 है और C2 है, C3, तीनों चीजें पैरेलल हो गई। हमारे पास मान लो हमने यहां से क्यू चार्ज को भेजा, हमने कुछ क्यू चार्ज को यहां से भेजा, तो इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो Q1 चार्ज आ जाएगा और इसमें जो Q2 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? Q3 चार्ज आ जाएगा। क्योंकि चार्ज को अगर हम भेज रहे हैं तो तीन अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो तीनों में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल VA है और इसका VB है तो आप ये देख पा रहे होंगे, मेरे हिसाब से आपको इस चीज की समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ का VA है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लो, अगर यहाँ का VA है तो जब तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता है, रेसिस्टेंस आप प्रतिरोधक आप करंट वाले चैप्टर में जानते हैं, 10th में पढ़े थे, जब तक कि कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल में परिवर्तन नहीं आएगा, विभव उतना ही रहेगा। यानी इस पॉइंट का भी VA होगा, इस पॉइंट का भी VA होगा और इस पॉइंट का भी VA होगा, इसका VB होगा, इसका भी VB होगा और इसका भी VB होगा। यानी आप यहां से देखिएगा, हर कैपेसिटर के इधर और लेफ्ट साइड VA है और इधर साइड VB है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो VA-VB है। इसमें भी VA-VB है, इसमें भी VA-VB है और इसमें भी VA-VB है। हमने क्या किया कि जो प्लेट होती है उसमें ये वाला पोर्शन जो होता है पॉजिटिव प्लेट का होता है, ये नेगेटिव प्लेट का होता है। ये पॉजिटिव प्लेट का हो गया, ये नेगेटिव प्लेट का हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट का हो गया, ये नेगेटिव प्लेट का हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें पोटेंशियल जो आता है वो हर केस में सेम आता है और चार्ज हर कैपेसिटर का अलग अलग आता है। टोटल चार्ज जो जा रहा था वो क्यू जा रहा था, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3। तो क्या आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं इस क्यू को? निकाल सकते हैं। Q1 निकाल लूंगा, Q2 निकाल लूंगा और Q3 निकाल करके ऐड कर दूंगा। तो जो जो आपने पहले इस डायग्राम में भैया माना है आप उसको प्रॉपरली लिख दीजिए, बोर्ड में नंबर भी तो पाना है, तो लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने बोला कि हमने थ्री कैपेसिटर प्लेट्स है ना, हमने क्या बोला है? थ्री पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर संधारित्र की तीन पैरेलल प्लेट जो कि पैरेलल होती हैं उनको हमने पैरेललली अटैच्ड किया है। द पैरेलल प्लेट ऑफ द थ्री, लिख लो यहां पे थ्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो थ्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर अटैच्ड पैरेलल। हमने कैसे अटैच किया है बच्चों? पैरेलल अटैच किया है। कैसे अटैच किया है? हमने तीन पैरेलल प्लेट्स को हमने
पैरलर प्लेट्स जो हैं उन्हें पैरलरली अटैच किया है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो विभव है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी फॉर ऑल। सबके लिए आप देख रहे होंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी है। सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना देख रहे हो ना, आप देख पा रहे हो सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, वी ए माइनस वी बी। द चार्ज, चार्ज की वैल्यू लिख दीजिए, चार्ज टोटल, द चार्ज ऑफ सी वन इज क्यू वन, सी टू इज क्यू टू, एंड सी थ्री का जो चार्ज है इज क्यू थ्री। भैया आपने तीनों का चार्ज भी बता दिया है, सी वन का चार्ज क्यू वन है, सी टू का चार्ज क्यू टू है, और सी थ्री वाली प्लेट का चार्ज क्यू थ्री है। हमने क्या किया है कि सभी के पॉजिटिव प्लेट्स, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको ए पॉइंट से कनेक्ट किया। किस पॉइंट से? ए पॉइंट से। तो ऑल ए पॉइंट से मान के चलो, या फिर इस पॉइंट को अपन, अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप इस पॉइंट से, मतलब एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल वी ए है ना। All positive plates, all positive plates are connected with a fixed point, ठीक है ना, fixed point। सभी positive plates जो हैं उन्हें एक fixed point से हमने connect किया है। And all negative fixed point with potential VA। हमने क्या किया है, सभी को क्या किया है, एक fixed point से connect किया है positive वाले का जिसका potential VA है। And all negative are connected with fixed point potential VB। समझ में आया कि नहीं आपको? हमने क्या किया है, समझने की बात यह है कि इसको लिखोगे तभी पेपर में मार्क्स मिलेंगे। हमने सभी पॉजिटिव प्लेट्स को VA से कनेक्ट किया है और सभी नेगेटिव प्लेट्स को VB से कनेक्ट किया है। अब हम एक एक करके सबका चार्ज लिखेंगे, एक एक करके क्या करेंगे अपन, अब सबका चार्ज लिखेंगे जो कि अपन देख रहे हैं। देखिएगा ध्यान ध्यान से, इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। हमने क्या किया है कि अब हम चार्ज निकालना चाहते हैं, तो द चार्ज, चार्ज इन कैपेसिटर C1, जो C1 है उस पर उसका C1 कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू C1 होता है ना, CV होता है, V तो हमारे पास VA माइनस VB होगा ना इसमें, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये क्या Q1 निकालते बन गया कि नहीं बन गया, हमने कुछ नहीं किया है, C इंटू C1 लिखा है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जब आप इसका चार्ज निकाल लिए हैं तो एक बार इसका चार्ज निकाल लीजिए और एक बार इसका चार्ज निकाल लीजिए, तो अब मैं इसका चार्ज निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो द चार्ज इन कैपेसिटर C2 कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, तो Q2 जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा C2 इंटू V, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VB ही होगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती, आप जरा ध्यान से देखिएगा, C1 के बीच में हमने Q = C1 × V लिखा, Q2 का हमने C2 × V लिखा, और इसको अपन बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। फिर इसके अक्रॉस चार्ज निकालना चाहते हैं तो इसके अक्रॉस भी सिमिलरली यही फॉर्मूला लगा करके लिखेंगे, द चार्ज इन कैपेसिटर C3। C3 पर चार्ज कितना होगा अपने पास, बच्चों देखो Q3 बराबर जाएगा हमारे पास C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही है सब में,
ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। हमारे पास तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं। टोटल चार्ज हमने Q भेजा था, जिसमें से Q1 इसमें चला गया, Q2 इसमें चला गया और Q3 इसमें चला गया। तो अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, Q1, Q2 और Q3 तीनों को जोड़ते हैं, तो वो क्या Q के बराबर होगा? बोलो यस और नो। हाँ, Q के बराबर होगा। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ध्यान देना मैं तीनों इक्वेशन को अब ऐड करूंगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, बाय एडिंग ऑल इक्वेशंस। तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा। जैसा कि आप यहां से देख पा रहे हैं, जितना चार्ज हमने भेजा Q1 इसमें बढ़ गया, Q2 इसमें बढ़ गया, Q3 इसमें बढ़ गया। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसमें आप लिख दीजिए C1 हो जाएगा हमारे पास, और VA माइनस VB होगा, और इसका कितना होगा C2 इंटू VA माइनस VB होगा, और इसका कितना होगा C3 इंटू VA माइनस VB होगा। जब आप VA माइनस VB को कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू VA माइनस VB आ गया आपके पास। अब Q बराबर ये आया है, ठीक है ना, Q बराबर आपके पास ये आया है। तो जनरली जो Q का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरली इस Q को यदि आप बोलोगे तो इस Q को आप क्या बोलोगे, इज इक्वल्स टू सी टोटल इंटू वी ए माइनस वी बी, क्योंकि पोटेंशियल तो वी ए माइनस वी बी दिया हुआ है ना। देखो इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो वी ए माइनस वी बी दिया हुआ है। जब आप इसको यहाँ पे एलिमिनेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसे आप क्या लिखोगे, सी टोटल इंटू वी ए माइनस वी बी। दोनों साइड से आप देख रहे होंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी ए माइनस वी बी, दोनों साइड से हमारे पास VA माइनस VB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से C टोटल की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे C टोटल बराबर आपके पास आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास तीन प्लेटों को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तो जो हमारे पास C टोटल की वैल्यू आएगी वो C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1 माइक्रोफराडे का है, 1 माइक्रोफराडे का है, ये 2 माइक्रोफराडे का है और ये 3 माइक्रोफराडे का है, इसको बोल दिया 1 का, इसको बोल दिया 2 का, इसको बोल दिया 3 का, क्योंकि इसके सवाल भी आते हैं। एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है आपके, इसके सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। तो इसका 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, तो जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन सी टोटल का, तो सी टोटल की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी 6। समझ में आया कि नहीं है, माइक्रो फराड। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जब कभी भी हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेगा तो अपने को तीनों को ऐड कर देना होता है। उसको निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है कि यहाँ से टोटल चार्ज क्यू भेजा है, इसमें Q1 गया, Q2 गया, Q3 गया, पोटेंशियल सेम है, तो Q1 की वैल्यू निकाला हूँ, Q2 की वैल्यू निकाला हूँ और Q3 की वैल्यू निकालूंगा, और Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके मैंने सॉल्व कर लिया और यहाँ से आंसर निकाल लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। कैपेसिटर्स जो है अब हमारे पास सीरीज में है ना, सीरीज में कैपेसिटर जो है हमारे पास, कैपेसिटर्स जो है इन कैपेसिटेंस बोल दीजिए, कैपेसिटेंस इन सीरीज है ना, कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब हम सीरीज पर मूव ऑन कर रहे हैं ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं सीरीज में। सीरीज में क्या होता है बच्चों, तो देखिएगा सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारे पास क्या है कि ये एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर हो गया और तीसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना, इसे आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। हमारे पास तीन कैपेसिटर हो गए हैं, जिसमें से हमारे पास क्या हो गया है, तीन हो गए हैं, ठीक है ना, तीन हो गए हैं जिसमें से हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। इसका C1 है, इसको C2 बोल दिया और इसको C3 बोल दिया। अब अगर आप यहां से कोई चार्ज क्यू भेजते हो, ध्यान देना, अगर आप यहां से चार्ज क्यू भेजते हो तो बटेगा थोड़ी ना, अब बराबर सब में क्यू क्यू मिलेगा, सबको क्यू क्यू मिल रहा है, ठीक है ना, यानी चार्ज इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है और इसका भी क्यू है। इस पॉइंट का यदि पोटेंशियल VA है, इस कैपेसिटर के आने की वजह से यहां का VA नहीं रहेगा, यहां क्या हो जाएगा अपने पास, यहां का VB हो जाएगा, कुछ दूसरा हो जाएगा, यहां का VB हो जाएगा, यहां का VC हो जाएगा और यहाँ का VD हो जाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती आपको, पहले तो आप डायग्राम समझे।
जब हमने यहां से कोई चार्ज भेजा तो सभी सीरीज में है, इसका मतलब सभी में चार्ज बराबर होगा। क्या समझ में आया? सभी कैपेसिटर्स में चार्ज बराबर होगा। अगर यहां का पोटेंशियल VA है तो यहां का VB होगा, तो यहां का VC होगा, तो यहां का VD हो जाएगा। यानी पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है भैया, चार्ज सबका सेम आ रहा है। और अगर हम यहां से यहां का पोटेंशियल देखें, यहां से यहां का पोटेंशियल देखते हैं तो वो कितना है? VA माइनस VD है। कितना है हमारे पास? VA माइनस VD है कि नहीं है? बताओ, VA माइनस VD है कि नहीं है? हाँ है, VA माइनस VD, ठीक है ना। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। पहले तो आप यही सब चीजें लिख लेंगे इसमें कि थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज किसमें कनेक्टेड है हमारे पास? C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। चार्ज जो है हमारे पास, चार्ज क्यू इज सेम फॉर ऑल, चार्ज जो है हमारे पास सेम है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो अपन उसको लिखेंगे। तो लिखते हैं, चलिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो कैसे लिखेंगे? Q के फॉर्मूले से लिखेंगे। Q तो सेम है हमारे पास, इज इक्वल टू C इनटू V होता है। V कितना दिया हमारे पास इसके अक्रॉस? VA माइनस VB दिया हुआ है। अगर मैं इसको एलिमिनेट ऐसे करके लिखूं, VA माइनस VB की वैल्यू लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि अपने को निकालना है, तो कितना आएगा हमारे पास? क्यू बाय C1। क्या आएगा हमारे पास बोलो? यहां से आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? VA माइनस VB जो है हमारे पास वो आ जाएगा Q बाय C1। इसी को बोल दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की मैं बात बताता हूं। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लियो? C1 के अक्रॉस। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस ले लो। समझ लो ना बात को? इसी के अक्रॉस, जैसा कि आपने C1 के अक्रॉस निकाला, वैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना दिया है? VC माइनस, उसमें जैसे VA माइनस VB किए थे ना, इसमें VB माइनस VC कर दो। VB माइनस VC इज इक्वल टू आएगा हमारे पास Q, तो चार्ज सेम है, बाय C2। इट इज द सेकंड इक्वेशन। आ रहा है समझ में बच्चों? चलो, अब ये C2 के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल दिया, अब C3 के अक्रॉस निकाल दे। किसके अक्रॉस? C3 के अक्रॉस। तो C3 के अक्रॉस निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। C3 के अक्रॉस जब अपन पोटेंशियल लिखते हैं, C3 के अक्रॉस बताओ पोटेंशियल कितना आएगा अपने पास? VC माइनस VD इज इक्वल टू आएगा हमारे पास क्यू बाय C3। इट इज द थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आपने देख लिया था पहले ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल करके, सेकंड इक्वेशन आपने देख लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल करके, और थर्ड इक्वेशन आपने देख लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल करके, यानी हमने निकाल लिया। और अगर हम सबको जोड़ते हैं बाय एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो आप देखोगे उसमें जो पहली वाली इक्वेशन थी वो लिख देता हूं, हालांकि इरेज हो गई है, तो पहली वाली इक्वेशन लिख देता हूं। पहली वाली इक्वेशन थी हमारे पास VA माइनस VB इज इक्वल टू क्यू बाय C1। आप इन तीनों को ऐड करिए, एक काम करिए, ऐड करो, आराम से ऐड करो। तो ऐड करोगे तो इधर इधर वाले ऐड हो गए, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, क्यू को कॉमन ले लेता हूं चूंकि कॉमन हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, VA से VB से VB कट गया, VC से VD कट गया, और हमारे पास यहां से रिजल्ट आ गया है VA माइनस VD आ गया। क्या आ गया हमारे पास? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार।
क्योंकि मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास यहां से कितना आ गया बताओ, कितना आ गया मेरे पास यहां से, वी ए माइनस वी डी आ गया, वी ए माइनस वी डी, यानी इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया फर्स्ट एंड लास्ट के बीच का, किसके बराबर आ गया हमारे पास, क्यू इंटू किसके किसके बीच का आ गया, क्यू इंटू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। अच्छा, ये पोटेंशियल इस पूरे के अक्रॉस है और फॉर्मूला जो होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी होता है, यदि V टोटल वाला निकालना होता है तो Q बाय सी करना पड़ता है, Q बाय सी टोटल, बोलो ना, चार्ज हमारा कांस्टेंट है, वी ए माइनस वी डी यदि यहाँ रखता हूँ तो Q बाय सी टोटल होगा कि नहीं होगा, तो इसे अपन Q बाय सी टोटल कर देते हैं पूरी पूरे मतलब पूरे सिस्टम का अगर हम बात कर रहे हैं तो वी ए माइनस वी डी लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट का है, तो वी ए माइनस वी डी पूरे का है और पूरे में चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, पूरे में चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, पूरे का वोल्टेज वी ए माइनस वी डी है, तो पूरे का कैपेसिटर सी टोटल होगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू यहाँ से कर दिया हमने क्यू और वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। अगर आप यहाँ से क्यू क्यू को कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है वन अपॉन सी टोटल इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज, जब हम कैपेसिटर को सीरीज में रखते हैं। इन फॉर्मूले का प्रयोग सवाल में भी होता है, सवाल भी इनके पूछे जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सीरीज वाले कैपेसिटर अगर लगाए जाते हैं इनके सवाल भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये फॉर्मूले दोनों अच्छे से याद रखना होगा। एक मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ अभी मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या किया है कि दो फॉर्मूले आज पढ़ाया है, दो फॉर्मूले जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया ये, हमारे पास क्या हो गया एक फॉर्मूला जो है ये है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया है कि ये अगर हमारे पास क्या है पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला सी टोटल का क्या क्या है हमारे पास सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और वन अपॉन सी टोटल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा, और जिस बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नहीं किए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर कर लेगा और कैपेसिटर के लेक्चर जितने मैंने पढ़ा दिए हैं चार तक वो कर लेगा। इसमें कैपेसिटर वाले पोर्शन में हमारा मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक आध दो जो बचे हुए हैं उनको मैं करा दूंगा और जो भी चीजें बच जाएंगी मैं उसको स्कूल में थ्योरी बेसिस पे करा दूंगा। थैंक यू लवर्स।